बताऊं। ओके, रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। सो थोड़ा सा लिंक करना जरूरी है। लिंक ऐसा है कि हमने 11 चैनल में ना सिर्फ और सिर्फ अलग अलग एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि भाई एक्सपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े कि कौन सा एक्ट होता है, फिर इंश्योरेंस कैसे होता है। तो वो सब चीजें अपन ने जो भी पढ़ी है 11th में, दिस ऑल वेर रिलेटेड टू बिजनेस। कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप इस टाइप का बिजनेस कर सकते हो, आप इस तरीके से बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, और आप इस जगह पे बिजनेस करोगे तो आपको गवर्नमेंट थोड़ा कंसेशन देगी, ये सब करेगी। तो दैट ऑल वॉज अबाउट बिजनेस। लेकिन ये जो 12th स्टैंडर्ड है, ये 12th स्टैंडर्ड आपको बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, यानी कि जो आपकी कंपनी है वो कंपनी के अंदर चल रहे हो, और वो कंपनी के अंदर जाके आप वहां पे एक सबसे टॉप पोजीशन में हो, या फिर आप मिडिल पोजीशन में हो, या फिर आप लोअर पोजीशन में हो, आप कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में हो और उस पोजीशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस पोजीशन के सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारे ड्रॉबैक्स, सारे एडवांटेजेस, सब कुछ आप फील करोगे। एंड ये पूरा जो फीलिंग होगा हमारे बिजनेस का, दिस होल फीलिंग इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट आप किसी भी चीज का बोल दो, ठीक है। अच्छा, दिस इज होल वन पार्ट मैनेजमेंट है, एंड मैनेजमेंट फिर डिवाइड हो रहा है। मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छे से बताया था मैंने कि गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, कोई भी गोल हो, कोई भी गोल अचीव करना हो, या फिर कोई भी काम करना हो, ठीक है, उस काम को एक पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर, दो पर्टिकुलर टर्म थे इसके अंदर। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये काम टू अचीव गोल। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। 12th का पूरा बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप जब केस स्टडी पढ़ रहे होंगे ना, मैं इतने सारे केस स्टडीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, पर पिछले साल तो इतना नहीं हो पाया था। और जब आप केस स्टडीज भी सॉल्व करोगे ना, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यार ये मैनेजमेंट है, या फिर मैनेजमेंट का एक पार्ट है दैट इज प्लानिंग, या फिर मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट है दैट इज कंट्रोलिंग, क्या चीज है, आपको एग्जैक्टली वो पता भी नहीं चल पाएगा, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए फोकस रखना, हमेशा कहता हूं मैं, फोकस रखना एनसीईआरटी पे। पूनम गांधी हो, या फिर संदीप गर्ग हो, या फिर वीके वर्मा हो, आपके पास में कोई भी बुक हो, ये सारी बुक सप्लीमेंट्री है। जो मेन बुक है ना, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही पूछते हैं। आपको पता है 10th में अपन ने मैथ साइंस भी क्या पढ़ा था, ज्यादा एनसीईआरटी। फिर उसके बाद में हम ऑल इन वन पे आते थे, या फिर आरडी शर्मा पे आते थे, तो हमको सब यही कहते थे एनसीईआरटी से पूछेंगे। यहाँ पे भी वही चीज है, एनसीईआरटी। अच्छा, तो पूरा बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के ऊपर है। आप पहले के जो चैप्टर्स है, दैट इज ओनली एंड ओनली अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे, दिस चैप्टर्स विल बी ऑन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मार्केटिंग, फाइनेंस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, इनके ऊपर मैनेजमेंट आएगा, है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मतलब पैसे का मैनेजमेंट, के कितने खर्चे में लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। मैनेज, अच्छा, अकाउंट्स का एक पार्ट भी है जो मैनेजमेंट के तरफ ज्यादा फोकस करता है, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप आगे आओगे ना बीकॉम बीबीए में अंदर, ठीक है, तो उन सब में आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट के काफी लेवल्स तक पहुंच चुका हूं मैं, तो मतलब मैनेजमेंट मेरा खत्म हो गया, दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा तो पूरा खत्म हो गया है। अब आपकी बारी है, तो मुझे आपको ट्रेन करना है, तो मैं इसीलिए आपको पूरा ये रूट बता रहा हूँ, क्योंकि पेड़ के सारे रूट्स पता होंगे ना कि कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो आपको चैप्टर्स पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा और बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहेगा आपका माइंड कि हाँ भाई मैं अभी मैनेजमेंट वर्क वाला पढ़ रहा हूँ, दैट इज दिस वन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डन। क्यों करते हैं ये काम, टू अचीव गोल। देखो, मैनेजमेंट का सबसे सिंपल बात बोलता हूँ, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर।
मतलब मेरी मम्मी भी है ना मैनेजमेंट कर रही है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि मैं एक रोटी खा रहा हूँ और रोटी खाते खाते खत्म हो गई रोटी और मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई मम्मी रोटी लेके आएगी, मम्मी रोटी लेके आएगी, ठीक है, और उतने मम्मी बोलते कि आज आटा खत्म हो गया, कभी हुआ ऐसा? परफेक्ट मैनेजमेंट है उनका, परफेक्ट टाइम टू टाइम, मतलब ये मेरे आटे का, मम्मी का आटे का डब्बा है ये, तो यहाँ पे जैसे ही आटा आने लग जाता ना, मम्मी बोल देती है कि भाई अब 20 किलो लाना पड़ेगा, अब 10 किलो लाना पड़ेगा, एनी टाइम, उनका ये परफेक्ट मैनेजमेंट है। सब्जियां कभी टोटली फिनिश नहीं होती घर पे, दैट इज अ परफेक्ट मैनेजमेंट। क्या उनका गोल क्या है? उनका गोल है कि अर्जेंटली कहीं मुझे दौड़ना नहीं पड़े। उनको पता है जब लास्ट मोमेंट पे लॉकडाउन हुआ था तब भी यही चीज थी सबके जुबान पे कि भाई सब्जियां फटाफट फटाफट, सारे मम्मियां ऑर्डर दे रही थी अपने हस्बैंड को या फिर सब अपने बेटों को ऑर्डर दे रही थी कि भाई फटाफट जा ये ले, या बेटियों को बोल देता कि भाई ये लेके आ जा, ये लेके आ जा, ये लेके आ जा, इतने इतने लिस्ट बना के दे दी। तो दैट वॉज वॉट, दैट वॉज अगेन मैनेजमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी 20 डेज का प्लान कर चुके थे, ठीक है, 20 डेज का, 21 डेज का, दिस ऑल इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द मैनेजमेंट, ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। हम अपनी कंपनी का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी में हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? टू अचीव गोल नहीं, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कंपनी का गोल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि एक इंडिविजुअल को बहुत सारा पैसा कमाना, उसको इतना पैसा कमाना, दिन रात काम करने के लिए वो रेडी है और उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, अनलिमिटेड, जितना मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी उतना पैसा उसको चाहिए, तो उसको काम करने के लिए एनी टाइम रेडी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए थे बहुत सारे यूनिट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विस, कुछ भी प्रोडक्ट्स बोलो या सर्विस बोलो। तो मैनेजमेंट ने, यानी कंपनी ने क्या दिमाग लगाया? कंपनी ने पर यूनिट वाला दिमाग लगाया। ये ऐसे ही प्रोड्यूस हुए, ये सारे आइडियाज ऐसे इनोवेटिव आए हैं कि कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दिया कि अगर एक पर्सन इतने प्रोडक्ट सेल करेगा या फिर इतने प्रोडक्ट बनाएगा या फिर इतने प्रोडक्ट ठीक करेगा, जो भी है, उस बंदे को पैसे कमाने थे, उस बंदे को पैसे कमाने थे, दैट वॉज इज इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। तो वो कहां पे कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, दैट इज वॉट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर, कि अब वो जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उतना ज्यादा इसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, दिस मैन वीडियो चला गया, सॉरी। हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, हाँ अब दिखाई दे रहा है। ओके सॉरी, वो कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि दिस मैन नीडेड व्हाट? दिस मैन नीडेड दिस थिंग, मनी, ठीक है, एंड हैड लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला कि तुम प्रोडक्ट्स बनाते जाओ, प्रोड्यूस करते जाओ, ठीक है, और मैं आपको पर प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस दूंगा, मतलब मैं आपको यूनिट के ऊपर पैसा दूंगा। आपने अगर एक यूनिट बनाया तो आपको 100 रुपए, 2 यूनिट बनाया तो 200 रुपए। अब आप बनाओ, अब आप करो जितना काम करना है। तो ये पर्सन क्या करेगा? ये पर्सन काम करता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? कंपनी का गोल पूरा होता जाएगा। कंपनी को प्रोडक्ट चाहिए थे बहुत सारे, तो कंपनी का गोल पूरा होता जाएगा। दैट इज मैनेजमेंट, कि मुझे मेरे कंपनी के अकॉर्डिंगली काम निकलवाना है या फिर काम करवाना है, ठीक है। सो मैनेजमेंट, मैनेजर कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज करता है, ठीक है। याद रखना, इफ आई एम डूइंग मैनेजमेंट दैट मीन्स आई एम नॉट वर्किंग, मैं वर्किंग नहीं, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं काम करवा रहा हूं। तो इसीलिए मैनेजमेंट की बहुत छोटी एक डेफिनेशन है, गेटिंग थिंग्स डन By others। क्या मैनेजमेंट की बहुत छोटी डेफिनेशन है कि किसी से भी काम करवाओ, ठीक है, अपना काम करवाओ किसी से, दैट इज योर मैनेजमेंट, यू हैव द पोटेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको आगे कंपनी के अंदर यही सारी चीजें समझनी होगी, क्यों मैं तो हम सब, अगर आप सबको ये पॉइंट क्लियर है तो
क्विक क्विक ओके ट्विशा है, सलीना है, उमेश है, वेरी गुड. अच्छा आज तीन ही है, चलो कोई बात नहीं. जस्ट लेट मी कम टू द पॉइंट. एक मिनट बच्चों. ओके स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? कंट्रोल कंट्रोल एल. ठीक है. सो दिस वॉज मैनेजमेंट. और हर कंपनी का मकसद होता है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझा दिए थे. मकसद के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना. तो मकसद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, सोशल, पर्सनल. क्लियर है ये बात? अच्छे से वीडियो देखा हुआ हो, क्लियर हो तो थम्स अप दे दो सो दैट मैं आगे बढ़ू. ओके वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्लियर है? अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी डाउट है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा. एग्जांपल दे देता हूँ. क्या बोलते हैं? यू नीड एग्जांपल तो क्लैप, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप, आई विल मूव फर्दर. ओके ठीक है सलीना. ओके कृष्णा. तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं. मान लो कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, ठीक है, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, मैं खाली एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास में कुछ पैसे दिए जाते हैं मुझे कि भाई ये इतने पैसे हैं. और चलो ठीक है, मान लेते हैं अपन डिलीवरी बॉय नहीं, अपनी कंपनी है और अपनी कंपनी डिलीवरी करती है. कौन सा ले? डिलीवरी बॉय लेते, इंडिविजुअल के ऊपर लेते थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है. तो मान लेते हैं आई एम अ डिलीवरी बॉय, ठीक है, और मेरे पास में कुछ पैसे हैं, ठीक है, और उस पैसे को मुझे मैनेज करके एक जगह से दूसरी जगह मुझे प्रोडक्ट्स बेचने या फिर देने हैं, ठीक है. और डिलीवरी बॉय का हमेशा एक टाइम होता है. तो मान लो मेरे पास में बी सी डी ई, मुझे ये पांच प्रोडक्ट्स देने हैं, ठीक है, मुझे ये पांच प्रोडक्ट्स देने हैं. हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में दिमाग लगाया मैंने कि पैसे कहीं कम ना पड़ जाए, तो पैसे कहीं कम ना पड़ जाए, या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास में तीन ऑप्शन है टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट. तीन ऑप्शन कौन से, ध्यान से सुनना. पहला ऑप्शन है कैब का, कि भाई मैं कैब कर लूं, ठीक है, मैं टैक्सी कर लूं और टैक्सी में मैं ये सारे प्रोडक्ट्स को मतलब इधर से उधर लेके चला के निकाल दूं, है ना. तो इस तरह से मेरे सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो सकते हैं ऑन टाइम, दैट इज बिफोर टाइम, सॉरी, ठीक है. तो ये बहुत फास्ट है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं, मैं नेगेटिव बैलेंस से पड़ जाता हूँ. दूसरा एक और मेथड है मेरे पास, दैट इज आई गो बाय वॉकिंग. क्या कह रहे हैं? आई गो बाय वॉकिंग, मतलब अब मैं अगर बाय वॉकिंग जाऊं, मैं कह रहा हूं अगर मैं बाय वॉकिंग जाऊं तो पैसे तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, पैसे तो नहीं लगने वाले, लेकिन लेकिन टाइम जो है ना वो कम पड़ जाएगा मेरे पास, और शायद मैं ए बी और सी प्रोडक्ट ही दे पाऊं, डी और ई नहीं दे पाऊं, ठीक है. तो अब मेरे पास में एक थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज द थर्ड वे, व्हाई नॉट टू यूज बाइसाइकिल. साइकिल क्यों नहीं यूज करता? साइकिल यूज करो तो कैसा रहेगा, ठीक है. तो देखो द फर्स्ट वन दैट इज कॉस्ट, कैब, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है. एफिशिएंट का मतलब होता है आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकालना, ठीक है, आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकालना और कम खर्चे के अंदर. तो एफिशिएंट का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एफिशिएंट का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, एट मिनिमम कॉस्ट. खर्चा जो है वो कम से कम लगना चाहिए. तो इसके अंदर देखो खर्चा ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो दिस इज नॉट एफिशिएंट.
ठीक है, दिस इज मतलब खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है. अच्छा मैंने गलत कह दिया, मैंने कह दिया ये एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है. आप सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? विशा, सलीना, उमेश, दिस इज एफिशिएंट और उसके ऊपर मैं क्रॉस कर देता हूं. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टाइम की, तो भाई ये टाइम से परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके दे रहा है और टाइम के पहले कंप्लीट करके दे रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, क्या कह रहा हूं मैं, तो वो रहेगा. हेलो, नहीं नहीं एकदम साफ है. ओके ओके कूल. ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूं कि मैं कह रहा हूं कि अब एफिशिएंट मतलब टाइम पे कंप्लीट करना है. अगर टाइम के पहले कंप्लीट हो गया मतलब जोरदार एफिशिएंट है, जोरदार एफिशिएंट है, एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है इनके, ऐसा. तो दिस इज इफेक्टिवनेस. अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि जो कैब वाली बात है, दिस इज इफेक्टिव, ये इफेक्टिव बात है भाई, बहुत सही है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है. अच्छा, अब अगर मैं वॉकिंग के थ्रू जाऊं, समझ में आ गया होगा अब आपको, ऑलमोस्ट पूरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा. अब मैं अगर वॉकिंग के थ्रू जाऊं तो आई विल बी वेरी मच एफिशिएंट, यानी इतना एफिशिएंट कि खर्चा लगा ही नहीं कुछ, खाली पैदल चलने का खर्चा, कोई खर्चा ही नहीं लगा, यानी मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट लगा ही नहीं, कोई खर्चा नहीं है. दिस मीन्स वी आर एफिशिएंट, बट वी निग्लेक्टेड द फैक्ट कि हमें सारे प्रोडक्ट आज देने हैं और मैं तीन ही दे पाया, यानी इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं आई, इफेक्टिवनेस नहीं आई, है ना. और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ साइकिल, तो टाइम पे सारे प्रोडक्ट्स भी चले गए, डिलीवर हो गए, एंड द सेकंड थिंग खर्चा भी कम लगा, यानी कम खर्चा और टाइम पे कंप्लीशन. ठीक है, अच्छा, इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो यू कैन वॉच माई वीडियो, मैंने वीडियो के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिस्टिंक्शन दिया हुआ है आपको. अगर नहीं समझ में आया तो कल वापस से यहीं पे कनेक्ट करके मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता सकता हूँ. क्या इसके मदद से आपको समझ में आया कि कंपनी के पास अब बहुत सारे केसेस आते हैं और वो उन केसेस में से कुछ सेटिंग करते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि क्या होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए एंड इफेक्टिव भी होना चाहिए. ठीक है, देखो हल्के मत लेना बीएसटी को, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा केस स्टडी वाला सब्जेक्ट है. इज इट क्लियर टू दिस, दिस पॉइंट इज क्लियर, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. ठीक है, वेरी गुड उमेश, विशा, विशा जानी, ओके वेरी गुड. चलो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहा हूँ. कहाँ गया ये, यहाँ पे आ जाता हूँ. तो मैंने रीड करके बता दिया आपको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंस. भाई कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना तो उसका इंपॉर्टेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आपको चाहे अगर आप सिक्स चैप्टर पे आ जाओगे ना स्टाफिंग, या फिर आप उसके बाद वाले चैप्टर पे आ जाओगे ना कंट्रोलिंग, कोई भी चैप्टर पे चले जाओगे तो वो सारे चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस दिया हुआ. आप इंपॉर्टेंस मतलब बेनिफिट कह सकते हो आप, या फिर क्या फायदे हैं इसके. तो देखो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ फायदा दे रहा है, ग्रुप गोल अचीव करने में, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी अचीव करने में. ठीक है, अच्छे से एम्प्लॉय को मैं मैनेज कर लूंगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना. ओके, और देखो एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट ही बोला था. क्या बोला था, इफ यू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली, अगर आप एक ही एक काम बार बार करते रहोगे ना तो आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, खर्चा कम करोगे और टाइम के ऊपर ऊपर कंप्लीट भी कर दोगे. सो उस हिसाब से एम्प्लॉय एफिशिएंट बनता है, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट का एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने, दैट इज मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन. देखो फिफ्थ नंबर का पॉइंट, अरे ज्यादा नीचे आ गया. फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखो क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एज अ बिजनेस ऑपरेट इन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट. ठीक है, कंटिन्यूअसली एक एनवायरमेंट बदलता जा रहा है और उस एनवायरमेंट को बदलते बदलते हम उसके साथ में एडजस्ट हो रहा. आप सबको पता है ये वर्ड का मतलब, डायनामिक वर्ड का मतलब पता है,
Do everyone know about dynamic? Just give me a clap if you don't know dynamic. Okay, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना? इस नोट्स को याद कर लोगे ना, ये पूरा एनसीईआरटी से याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी से बना हुआ है. देखो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, सॉरी ये तो ज्यादा आगे हो गया. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मैंने काफी अच्छे से डिटेल में समझाया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बट स्टिल इफ यू वांट द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक या फिर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप मेरे को क्लैप दे दो कि सर हमको ये पॉइंट समझना है ना. छह पॉइंट है अपना, देख लो एक बार. मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह पे है, चाहे छोटी हो बड़ी हो कंपनी, चाहे इकोनॉमिक गोल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, हर एक जगह पे मैनेजमेंट इज पॉसिबल. मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है. मल्टी डायमेंशनल मतलब, मल्टी का मतलब होता है दो से ज्यादा कोई दिशा में आप जा रहे हो, तो वैसे मैनेजमेंट जो है वो तीन जगह पे ज्यादा फोकस करता है. सबसे पहले वर्क, यानी कोई भी गोल है उस गोल को वो ट्रांसलेट करता है. यही की यही लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल. जो भी आप काम करना चाहते हो उसको वो गोल के अंदर ट्रांसलेट करके देता है, सो दैट आपको पता चले कि आपका काम क्या है. तो मतलब हम काम का मैनेजमेंट कर रहे हैं. फिर उसके बाद में आता है कि हमारे पास में एम्प्लॉयज है, उनसे काम करवाना है, तो हम पीपल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है. और ये दोनों इनपुट और आउटपुट में बन जाए, सो दैट हम इनपुट से आउटपुट बन जाए, कंजप्शन कर पाए हम इन चीजों का, तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है. सो मतलब पीपल और वर्क, जो गोल है जो एम्प्लॉयज है, वो दोनों को साथ में जब अपन काम करवाते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है. अच्छा, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, देख लो एक बार. जस्ट गिव मी अ क्लैप इफ यू डोंट रिमेम्बर एनी पॉइंट, क्योंकि आई डोंट फाइंड इट कि मैं इसके ऊपर मतलब ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में जा चुका हूँ. इफ यू फाइंड एनी पॉइंट जो आपको नहीं आया, जस्ट गिव मी अ क्लैप. Shall I move further? Give a thumbs up. Very good, Umesh. ठीक है. तो आगे बढ़ रहा हूं मैं with the next page, that is functions of management. यहां से अपन को पढ़ना था functions of management, मतलब क्या कि management क्या क्या काम करेगा. तो management के function देखो, चार पांच पार्ट में, कोई भी काम को ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, ठीक है. तो दिस आर द फंक्शन. एक बार छोटे से बता देता हूं, क्योंकि यही चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. तो एक बार छोटे से बता देता हूं, प्लानिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कंट्रोल करने के बाद मैं वापस से अपने गोल अचीव करने के बाद में प्लानिंग पर आ जाता हूँ. बीच में एक दो पॉइंट मैंने हटा दिए हैं. मैं स्टाफिंग आएगा ना, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग के बीच. पॉट्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग है. ऑर्गेनाइजिंग के बाद में स्टाफिंग करना है. ऑर्गेनाइजिंग के बाद में स्टाफिंग, वेरी गुड. स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, पूरे चैप्टर में ये पांच चीजें. क्या कह रहे हो? मेरे को इतना ही समझ है पूरे चैप्टर में. हाँ, पूरे बुक में मतलब आधी बुक तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है. इन सारे पॉइंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, PODSCORP, PODSCORP, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग. ऐसे आता है ये पॉडस्कॉप, ठीक है, कोई बात नहीं. स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, और ये जो है ना, ये है रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग, हम रिपोर्ट करते हैं कि भाई क्या क्या रिजल्ट आया, कैसा कैसा काम आया. तो दिस ऑल आर द फंक्शंस, मतलब ये सारे अलग अलग तरीके के काम है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि यस, प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. तो प्लानिंग का मतलब बताता हूं. प्लानिंग का मतलब क्या होता है
एकदम दो लाइनों में बोलू ना, दो लाइन में, आप प्रेजेंट में यहां पे हो, आप फ्यूचर में वहां जाना चाहते हो, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में जो मैं रास्ता बनाऊंगा, जो मैं ब्रिज बनाऊंगा, दैट विल बी माई प्लानिंग। सोचो कि आप अभी यहां पे हो और आफ्टर सिक्स मंथ आप चाहते हो कि मेरे 90% बने या फिर 95% बने या फिर जस्ट पास हो जाओ, उस अकॉर्डिंगली आप उस रास्ते के ऊपर चलोगे, ठीक है, उस रास्ते के मतलब उस रास्ते को आप बनाओगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्लानिंग। समझ में आया सबको प्लानिंग? ठीक है, तो प्लानिंग का दो लाइन बोल सकता हूं मैं, ब्रिजेस गैप बिटवीन, गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और प्लानिंग, आप कभी भी गोल डिसाइड कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे मैं पिछले साल भी आपको समझा चुका हूं, जब मैं अपन स्टैटिस्टिक्स के सम सॉल्व कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे पास में बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड पड़ी है या फिर उलझी हुई है, ये सब चीजें उलझी हुई है, अगर इन सारे कामों को मुझे सुलझाना है कि भाई ये काम तू करेगा या फिर ये काम ऐसा होना चाहिए या फिर ये काम का एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो दिस ऑल इज ऑर्गेनाइजिंग। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि इफ आई हैव अ स्टॉक ऑफ बुक्स, अगर मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, इफ आई हैव अ स्टॉक ऑफ बुक्स, बहुत सारी बंडल्स ऑफ बुक्स है, ठीक है, और मुझे अगर इनको ऑर्गेनाइज करना है अच्छे तरीके से, सो दैट आई कैन फाइंड वेयर अ पर्टिकुलर बुक इज विद द हेल्प ऑफ सिंपल एल्गोरिथम, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे बुक्स का अलग अलग कैटेगरीज बनाऊंगा, ठीक है, कि भाई ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ठीक है, जैसे कि लव वाली बुक या फिर हॉरर बुक, मोटिवेशनल बुक, ठीक है, इस तरह से मैं सारे बुकों का अलग अलग स्टैक बनाऊंगा, सो दैट आई कैन, और स्टडी मटेरियल वाली बुक, बोर्ड स्टडीज, है ना, तो ये सब ऐसे अलग अलग सेक्शन बनाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज डीलिंग या फिर इज कैटेगराइजिंग वर्क, काम को कैटेगराइज करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाना काम के, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। यानी हमें वर्क गोल जो हमने चूज किया ना, जो हमने गोल चूज किया ना, उसको काम के अंदर बदलो, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। कौन कौन सा काम करने वाला है, दैट मीन्स अलॉटिंग, कौन कहां पे होगा, किसकी कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दिस इज स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग के बाद में आता है उनके ऊपर वापस से डायरेक्शन देना कि भाई तू ये काम कर, तू ऐसा कर, तू ये चीज कर, वो चीज कर, ठीक है, तो दिस इज, अच्छा, डायरेक्टिंग के बाद में स्टाफिंग आता है, कोई बात नहीं, आप दोनों को इंटरलेट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टिंग मतलब क्या, उनको डायरेक्शंस देना, ठीक है, यानी हाउ टू यूज द मशीन या फिर हाउ टू गेट एंगेज्ड इन द वर्क, ठीक है, या फिर व्हाट आर द टाइमिंग्स, या फिर हाउ विल यू डील विद अदर एम्प्लॉइज, विद अदर सप्लायर्स, कस्टमर्स, so this all are direction given to staff, ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। Okay, उसके बाद में आता है supervising, supervision देना, ठीक है, supervise करना, that is उनको control करना कि भाई वो सब सही से काम तो कर रहा ना, उसके ऊपर आंखें रखना कि भाई वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग। अगर मान लो आप एक गोल ले रहे हो, मान लो कि आप गोल ले रहे हो 90% लाना है एग्जाम में, तो आप ये सारे फंक्शंस के थ्रू जाओगे, तभी आप परफेक्ट मैनेजमेंट कर पाओगे। 90% गोल है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करो, उस गोल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो कि भाई मुझे बीएसटी इतना पढ़ना पड़ेगा, मुझे बीएसटी केस स्टडी इतने सॉल्व करने पड़ेंगे, मुझे अकाउंट्स के इतने सम सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे अलग अलग वर्क को डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद में स्टाफिंग एंड डायरेक्शन आपके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
दो या दो से ज्यादा जन होंगे तभी स्टाफिंग एंड डायरेक्शन ये सब इज पॉसिबल। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं निगलेक्ट करके कंट्रोल पर आता हूँ, आप अपने आप को वापस से सुपरवाइज करोगे। ठीक है, आप अपने आप को वापस से सुपरवाइज करोगे कि हाँ भाई मैंने किया है कि नहीं किया या नहीं जा रहा हूं। ओके, ठीक है, समझ में आया सबको? दिस आर व्हाट, दिस आर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे फंक्शंस के मैं डिटेलिंग चैप्टर वाइज समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ फंक्शन ही बहुत है अपने लिए, है ना? समझ गए होंगे आप? तो देखो मैं स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूं फिर से, क्या लिखा हुआ है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कंटेन सीरीज ऑफ इंटर, देखो सीरीज बोल रहा है, सीरीज मैंने भी एक ऐसे सीरीज बना के समझाई है आपको, ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। ठीक है, अगर प्लानिंग होगा तभी ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, तभी स्टाफिंग हो सकता है, तभी डायरेक्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, प्लानिंग रिलेट्स टू डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज इट टू डू इट। ठीक है, क्या करना है और कौन करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टूगेदर ह्यूमन फिजिकल सारे रिसोर्सेस को ले जाओ, ले आओ एक जगह पे एंड एक मिनट टाइम दे रहा हूं मुझे, ओके, एंड एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशन अमॉन्ग देम फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कह रहा है कि ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स को सबको ले आओ एक साथ में, ठीक है, और सबके साथ में रिलेशन बना दो, दैट मीन्स एक तरह का कैटेगरी कर दो कि भाई कौन सा क्या कब होने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, स्टाफिंग, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मीन मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्डर के हिसाब से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू फिल इन द रूल्स डिजाइंड इन टू द स्ट्रक्चर। फिर है डायरेक्टिंग, इन्वॉल्व्स लीडिंग इंफ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कौन कैसे काम करेगा वो सब। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग टू एंश्योर कन्फॉर्म टू द प्लान्स। ठीक है, ensure that event conform to the plans, मतलब जो हमने सोचा था, जो event अभी हम actually कर रहे हैं और जो हमारा plan किया हुआ था, वो दोनों के बीच में, वो दोनों के बीच में बराबर काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, is it clear? I hope it is clear now, क्योंकि ज्यादा discussion will lead to distortion of mind. Okay, very good, very good. उमेश क्या कहते हो? Clear. Okay, very good. Now moving to the next point, this is the main point, ये कई बार एग्जाम में आता है और सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे पता है बच्चे क्या पूछते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन के भैया लोअर मैनेजमेंट, चलो पहले एक बार मैं तुमको बता देता हूं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है भैया, ये कल करेंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो सिर्फ रिवीजन ही हुआ था, 40 मिनट हो गए। चलो ठीक है, फिर ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाओ, तो मेरा भी 7 बजे बैच तो है, बट क्या, चलो ठीक है, तो कल एक बार एनर्जी रखना थोड़ी, तो थोड़ा और करवा पाऊं मैं, है ना? हाँ भैया, चलो देन सी यू टुमारो, नॉट टू वरी, कल करेंगे अपन, है ना? बाय बाय, टेक केयर।